हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 3.5 देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल एलएमएन, राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स एंड ऑल्सो राइट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हमें राइट करने हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें राइट करनी है। सपोज़ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड हम राइट कर लेते हैं। कौन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, पहले हम राइट कर लेंगे ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन। ओके, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अभी देखो, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल हम पहले राइट करेंगे, उसके बाद में करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं। एक्स का करस्पॉन्डिंग एंगल एल, वाई का करस्पॉन्डिंग एंगल एम और जेड का करस्पॉन्डिंग एंगल एल। ओके, ध्यान में रखना है सिमिलर ट्रायंगल जो रहते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट्स एंगल एल, एंगल वाई कॉन्ग्रुएंट्स एंगल एम, एंगल जेड कॉन्ग्रुएंट्स एंगल एन। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अभी देखो हम उनकी साइड्स राइट करते हैं। एक्स वाई इसका रेशो किसके साथ आएगा, एल एम के साथ आएगा, उसको कैसे लिखा जाता है, एक्स वाई एल एम इक्वल वाई जेड एम एन, वाई जेड और एम एन इक्वल एक्स जेड एल एन एल एन। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कैसे लिखा जाता है? देखो, जो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं, तो यहाँ पे हमने एंगल कॉन्ग्रुएंट्स शो किए। और जो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं उनकी साइड्स ऑलवेज रेशो में दिखाई जाती है, जैसे कि एक्स वाई एल एम, वाई जेड एम एन, एक्स जेड एल एन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्स वाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक्स जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एक्स वाई जेड की साइड्स दी गई है और हमें पी क्यू आर की रिमेनिंग साइड राइट करनी है। पी क्यू आर की एक साइड दी गई है, पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और पी क्यू आर की दो साइड रिमेनिंग है ना, वो साइड हमें निकालनी है यहाँ पे। तो हम साइड कैसे रहती है, सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स ऑलवेज रेशियो में रहती है। ये रेशियो का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन में साइड्स निकाल लेते हैं। ओके, तो पहले हम गिवन राइट कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स वाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एक्स जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, वन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे गिवन राइट करेंगे, उसके बाद पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर है यहाँ पे शो किए। अभी इनका हमें साइड्स निकालनी है।
एक ट्रायंगल की दी गई है, दूसरी ट्रायंगल की निकालनी है, बहुत इजी रहती है। देखो हम कैसे निकालेंगे, देयर फोर इनका पहला रेशियो राइट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं शॉर्ट में यहाँ पे पी क्यू आर ट्रायंगल की फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो पी क्यू आर, ताकि आपको रेशियो लिखना इजी जाए। एक्स वाई पी क्यू, ये रेशियो आएगा, देखो एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू वाई जेड क्यू आर, y z q r इक्वल टू x z p r, x z p r करेक्ट। सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड से वो राइट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल की साइड हमें पता है, सेकंड ट्रायंगल की भी एक साइड पता है, वो वैल्यू हम इस रेशो में पुट कर लेते हैं। ओके देखो देयरफोर एक्स वाई कितनी दी गई है, 4। यहाँ पे पी क्यू कितनी दी गई है, 8, वो राइट करेंगे इज इक्वल टू वाई जेड कितनी दी गई है, 6। क्यू आर हमें निकालनी है इक्वल टू एक्स जेड दी गई है, 5 5, और पी आर हमें निकालनी है। ओके पहले हम ये वैल्यू मालूम है, इसका रेशो का यूज़ करके हम साइड निकाल लेते हैं क्यू आर, क्योंकि ये 3 साइड मालूम है, फोर्थ वन साइड हम इजीली निकाल सकते हैं। क्यू आर साइड निकाल लेते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसा लेबल कर लेते हैं। ओके इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पे क्यू आर साइड निकाल लेते हैं। देयरफोर 4 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय क्यू आर। ओके अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाई क्यू आर, 6 मल्टीप्लाई बाई 8। देयरफोर 4 मल्टीप्लाई बाई क्यू आर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 4 मल्टीप्लाई बाई क्यू आर ऐसे ही आएगा इक्वल टू 6 8 48। ओके और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4 को हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा। 4 यहाँ पे क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड में डिवाइड हो जाएगा। क्यू आर इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 48 को हमें 4 से डिवाइड कर लेना है, क्या मिलेगा, देर फोर देखो 4 1 4 4 1 4 4 2 8 कितने मिल गए, 12 मिल गए। क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके अभी देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 ऐसा लेबल कर लेते हैं हम इसको। अभी देखो पहले हमने इन दोनों का यूज़ करके क्यू आर वैल्यू निकाल ली, अभी हम ये क्यू आर वैल्यू जो 12 मिली है वो पुट कर लेते हैं यहाँ पे। 4 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय पी आर। ओके अभी इन दोनों का यूज़ करके हम ये पी आर वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसकी हेल्प से मीन्स ये पी आर वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों रेशो लेकर हम पी आर वैल्यू निकाल सकते हैं, और फर्स्ट और थर्ड का रेशो लेकर भी हम पी आर वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। हम दोनों वैसे यहाँ पे निकाल लेते हैं, आंसर सेम ही आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय पी आर, और 6 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय पी आर। ओके अभी देखो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, देयरफोर 4 मल्टीप्लाई बाय पी आर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ पे 5 8 40 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय पी आर आएगा। अभी पी आर की वैल्यू निकालनी है, 4 को हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा, 4 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, पी आर इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 मल्टीप्लाई बाय पी आर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके 12 5 60, तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे पी आर ऐसे मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 6। अभी यहाँ पे भी पी आर की वैल्यू निकालनी है, 6 को हमें दूसरे साइड में शिफ्ट करना होगा, तो क्या मिलेगा, पी आर इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 6। देयरफोर पी आर इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4 और पी आर इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 6। 4 1 4 4 10 40 6 1 6
सिक्स टेंजर 60, तो पी आर की वैल्यू दोनों में सेम मिली है, पी आर इक्वल टू 10, और यहाँ पे भी क्या मिली है, पी आर इक्वल टू 10, 10 ये वैल्यू मिल गई है। ओके, दोनों में से कौन से भी रेशियो लेकर आप यहाँ पे पी आर वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दूसरे ट्रायंगल की अदर साइड्स निकालने बोला था, तो ये है दोनों अदर साइड दूसरे ट्रायंगल की जो एक्स वाई जेड के साथ सिमिलर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, लेबल देम, शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइंस, शो द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय नंबर्स इन प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमें दो सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, उनको लेबल करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है उनको सेम साइन से शो करना है, और करस्पॉन्डिंग साइड हमें प्रोपोर्शन में नंबर में दिखानी है। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि देखो इनके साइड मैंने प्रोपोर्शन में दिखाई है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम साइन से शो किए हैं यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे जीरो ऐसा साइन दे दिया है, यहाँ पे क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये दो एंगल ऐसे, और यहाँ पे भी दो एंगल ऐसे सेम साइन से मैंने एंगल शो किए हैं। तो देखो आपको अगर सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, आपको तो पता है सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, उनकी साइड जो है ऑलवेज प्रोपोर्शन में रहती है। सो यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन में दिखाई है, पहले आपको कौन सा भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे तय कर लिया था कि पहले मैं 3, 4 और 5 ऐसी साइड वाला ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। ओके, अभी इन तीनों में सबसे ज़्यादा लेंथ जो रहती है वो सबसे बेस में अगर आपने ड्रॉ की तो ट्रायंगल निकालना ईजी जाता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा दिखना चाहिए तो आप पहले सबसे ज़्यादा लेंथ जो है साइड की वो सबसे नीचे ड्रॉ करो, बाद में उससे छोटी वाली जो दो साइड है वो दोनों साइड में ड्रॉ कर लो, ये इजी जाएगा निकालने के लिए। तो पहले मैंने 3, 4, 5 फिक्स कर लिया था कि मैं ट्रायंगल की एक साइड 3, दूसरी साइड 4 और थर्ड वन साइड 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगी। ओके, तो मैंने पहले ये साइड ड्रॉ कर ली, ओके 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर लेनी है, तो स्केल और कंपास की हेल्प से आप यहाँ पे कंपास में 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो। ओके, देखो यहाँ पे मैंने कंपास में आपको 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखाया है, ऐसे डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर कंपास में लेकर आपको क्या करना है, कंपास का टिप क्यू इस पॉइंट पर रखकर इस ऊपर की साइड में आर्क लगा देना है। ओके, तो यहाँ से आर्क तक कितना डिस्टेंस हो गया, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये साइड आपको 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो आप क्या करो, यहाँ इस कंपास में फिर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो, जैसे कि मैंने अभी ले लिया है। ओके, ये डिस्टेंस लेने के बाद आपको ये टिप जो है आर पॉइंट पर रखना है और अबाउ डायरेक्शन में ही आर्क ड्रॉ करनी है, और दोनों आर्क जहाँ पे मीट हो रहे हैं हो जाएगा आपका ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट। ओके, तो पी क्यू आर ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। ओके, अभी इसका सिमिलर ट्रायंगल प्रोपोर्शन में आपको दिखाना है, तो इसकी हाफ लेंथ लेनी होगी या इसकी डबल लेंथ लेनी होगी। अभी 3 का हाफ कितना रहता है, 0.5 सेंटीमीटर। ओके, 4 का हाफ रहता है 2 और 5 का हाफ रहता है 2.5। इन तीनों में बड़ा कौन सा है, 2.5, तो 2.5 सबसे बेस्ट में पहले लाइन ड्रॉ कर लो स्केल की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से 1.5 सेंटीमीटर। तो आप फिर से कंपास में स्केल की हेल्प से यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो, वाई पॉइंट पे कंपास का टिप रखकर डायरेक्ट अबाउ डायरेक्शन में आर्क ड्रॉ करो। ओके, फिर से ये साइड आपको 2 सेंटीमीटर लेनी है, तो कंपास और स्केल की हेल्प से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो कंपास में, उसका टिप जेड पॉइंट पर रखकर अबाउ डायरेक्शन में आर्क ड्रॉ करो, दोनों आर्क जहाँ पे मीट हो रही है वो हो जाएगा एक्स पॉइंट। इससे इस पॉइंट से लेकर वाई तक और इसी पॉइंट से लेकर जेड तक आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो। आप अगर स्केल और कंपास की हेल्प से अगर ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा ड्रॉ करना। ओके, मैंने भी ट्राई कर लिया था, पहले स्केल और पेंसिल की हेल्प से ऐसे ड्रॉ किया, ये मुझे 5 सेंटीमीटर लेनी थी, ये तो हो जाएगी, पर ये अदर टू साइड इतनी ईजी नहीं आएगी। ओके, एग्जाम के टाइम हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, तो ये ईजी वे है इस टाइप का ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।